एलएलबी द्वितीय सत्र के 3 विद्यार्थी आई कार्ड ना होने की वजह से परीक्षा ही नहीं दे पाए। एक ओर जहां कई विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे तो वहीं ये 3 विद्यार्थी उसी समय आई कार्ड ना मिलने के कारण टीचर्स और कॉलेज के चक्कर काट रहे थे, पर किसी ने भी उनकी मदद ना की। ऐसे में परीक्षा ही खत्म हो गई और ये विद्यार्थी अपना साल ही गवा बैठे। ऐसे में सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ ने इस विषय में संचालन परीक्षा व मंडल राष्ट्रसंत गुरुजी महाराज विद्यापीठ नागपुर को निवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल 7 जुलाई 2023 से शुरू हुई और 19 जुलाई 2023 को खत्म हुई एलएलबी द्वितीय स्तर की परीक्षा में मंगला जुमड़े, वसीम अब्दुल नईम खान और अमित कुमार बबन आवले इन तीनों विद्यार्थियों को द्वितीय सत्र सेकंड सेमेस्टर का आई कार्ड ही नहीं दिया गया, जिसके बाद एक विद्यार्थी मंगला जुमड़े ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर दिगर अफसरों से भी मुलाकात की, जिसमें शुरू परीक्षा को नजरअंदाज करते हुए मुंदड़े नामक अधिकारी ने मीटिंग का बताकर विद्यार्थी को बाद में आने को कहा। गुजरती परीक्षा की बढ़ती चिंता के चलते विद्यार्थियों ने बार बार मुंदड़े से जवाब मांगा तो उन्होंने तंग आकर ये कहा कि हमसे गलती हो गई और अब जो करना है वो कर लो। ऐसा कहकर विद्यार्थियों को वहां से भगा दिया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि फिर एक और अधिकारी साबड़े सर से मुलाकात की गई, जिन्होंने बड़ा ही विचित्र जवाब देते हुए विद्यार्थियों से कहा कि आप अम्बेडकर कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हो, सेंट्रल इंडिया कॉलेज के हो, जाओ अब कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर उन्हें वहां से भी भेज दिया गया। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, आखिरी एग्जाम पेपर तक के आशा थी कि आई कार्ड मिलेगा परंतु नहीं मिला, जिसके साथ ही तीनों विद्यार्थियों का द्वितीय सत्र छूट चुका है। वहीं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एवं विद्यार्थी वसीम खान जब कॉलेज में गए और शिकायत की तो कॉलेज ने बताया कि हमको अब तक लिखित में कोई भी जवाब नहीं आया है, परंतु ये बताया गया है कि आप ओल्ड कोर्स के विद्यार्थी है, आपका सिलेबस खत्म हो गया है, अब आपको पहले सेमेस्टर से ही न्यू कोर्स में एडमिशन लेकर फिर से पहला सेमेस्टर देना होगा, जिसके बाद विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी से पिछले 5 दिनों की मशक्कत के बाद आज मुलाकात कर उन्हें सारी परेशानी विद्यार्थी वसीम खान व मंगला जुमड़े ने बताई और निवेदन भी दिया, जिस पर कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल मीटिंग बुलाकर जवाब व इंसाफ देने का दिलासा दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम खान, मैं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और आज हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी आए हैं कुलगुरु से मिलने के लिए। एक्चुअली मसला ये था कि हम लोग सेंट्रल लॉ कॉलेज के, सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट, एक मैं, एक मंगला मैडम थे मेरे साथ वो अभी गए और एक अमित करकर, तो हम 3 स्टूडेंट जो है सेकेंड सेमेस्टर के, हमारे एग्ज़ाम थी, फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग ऑल क्लियर किए, सेकेंड सेमेस्टर का हमने फॉर्म भरे, जब एग्ज़ाम का टाइम आया 7 जुलाई से एग्ज़ाम थी, हम लोगों को आई कार्ड नहीं दिया गया 3 स्टूडेंट को, तो ये रीज़न पूछा हम लोगों ने सेंट्रल इंडिया से, सेंट्रल इंडिया ने भी साबड़े सर और जो भी थे वहाँ के संचालक उनको लेटर भेजा के बोलने के लिए कि ये 3 स्टूडेंट का आई कार्ड दो, तो वहाँ से रीज़न आया कि ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, न्यू सिलेबस पैटर्न स्टार्ट हो गया, ओल्ड सिलेबस ख़त्म हो गया है तो इनको अब आई कार्ड नहीं मिलेगा। तो हमने बहुत भागदौड़ करी, इससे मिला उससे मिला, लेकिन हमको कुछ भी समाधान नहीं मिला। हमको कॉलेज ने भी बोला कि रिको थोड़ा आएगा, जवाब आएगा, लेकिन कॉलेज ने भी आखिरी में बोला कि इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिए। फिर कॉलेज से हमने एप्लीकेशन लिया, हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, 7 जुलाई से 19 जुलाई तक एग्ज़ाम थी, ख़त्म हो गई। अभी साबड़े सर से भी हम लोग मिले थे, उन लोगों ने भी हमको सही से जवाब नहीं दिया। कुलगुरु हमारे 2-3 दिन मीटिंग में थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो आज 31 जुलाई को हम सर से मिले। सर ने हम लोगों को बोला है कि मैंने मीटिंग बुलाया, कल कुछ ना कुछ इसका मैं हल निकालूंगा। इस मौके पर नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एवं विद्यार्थी वसीम खान के साथ अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैयद मुमताज, सचिव ताजुद्दीन काजी, शहर कांग्रेस महासचिव राजा भाव चिलाट, शहर अल्पसंख्यक के जीशान खान, फिरोज खान, सरफराज मोहित, विजय साकरे आदि उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।